मैं ये कहना चाहता हूं कि HSY के सारे टीम को मेरी तरफ से धन्यवाद और शुभकामनाएं। हेलो, मेरा नाम धीरज कुमार हुआ। मैं प्रॉपर बिहार का रहने वाला हूं। मैं यहां गवर्नमेंट जॉब करता हूं असम में। मेरा हेयर फॉल बहुत ज्यादा हो रहा था। मेरा हेयर फॉल होने के कारण मेरा कॉन्फिडेंस लूज बहुत ज्यादा हो रहा था, जिसके कारण मैं अपने आप को बहुत ही वीकनेस और खुद सेटिस्फेक्शन मुझे नहीं मिल पाती थी, जिसके कारण मैंने भी सोचा कि मुझे भी हेयर प्लांटेशन करवाना है। पहले मैंने घरेलू उपचार भी बहुत किया, मैंने डॉक्टर से कंसल्टेशन भी किया, जिसके कारण मैं होम्योपैथी दवा किया, जिसके कारण और मेरा बाल झड़ने लगा। इसके लिए मैं सोचा कि अब तो कुछ हो नहीं पा रहा, इसके लिए मैंने यूट्यूब चैनल से देख के HSY के बारे में जानकारी प्राप्त किया, जिसके कारण मुझे पता चला कि HSY में काफी अच्छा रिजल्ट आ रहा है। इसीलिए मैं HSY में फिर से विजिट करने आ गया यहाँ पे कि मेरा भी बाल पूरी तरह से आ जाए। HSY में विजिट करके मैंने ये प्राप्त किया कि मुझे सर्जरी के दौरान कैसी कैसी प्रॉब्लम आ गई, ये मेरे दिमाग में बहुत दिन से चल रहा था, जिसके कारण मैं अप्रैल में यहाँ विजिट किया था। फिर मैंने डिसीजन लिया कि मुझे HSY में जाना है। मुझे डॉक्टर साहब ने बताया कि ऐसा कोई पेन नहीं होगा, इसके कारण आप पूरा निश्चिंत रहिए और अपना सर्जरी कराइए, कोई पेन वेन नहीं होगा। हेलो, मेरा हेयर ट्रिमिंग हो गया है, रिक्वायरमेंट के हिसाब से मेरा देखते ही यहाँ सारा चीज़ हो गया है। अब मैं सर्जरी के लिए जा रहा हूँ। हेलो, मेरा लंच ब्रेक हो गया है। सर्जरी के बाद मुझे ऐसा लगा कि सर्जरी हुआ ही नहीं है, क्योंकि जो निडल थोड़ा सा चुभा था, लेकिन उसके बाद कुछ पता नहीं चला। और उसके बाद जो डोनर एरिया है, डोनर एरिया से प्लांटेड होगा आगे का जो होल्स हुआ है उसमें। और लंच के बाद मैंने मेरा काम अब वही रहेगा। हेलो, आज मेरा सर्जरी का दूसरा दिन था। फर्स्ट डे मेरा सर्जरी में 2500 ग्राफ्ट लगा और आज मेरा 2000 ग्राफ्ट लगा। टोटल आज 4500 ग्राफ्ट फाइनल हो गया। इस सर्जरी में काफी लोग सपोर्टिव थे, जिसके कारण आज मेरा सर्जरी कंप्लीट हो गया। हेलो, आज मेरा HSY में फोर्थ डे था, जिसमें आज मेरा बैंडेज को रिमूवल किया गया। देखिए, आज मेरा 4500 ग्राफ्ट पूरा टोटल हो गया है। थर्ड डे के अंदर में मुझे कुछ ऐसा प्रॉब्लम हुआ था नहीं, और मुझे कुछ कुछ थोड़ा सा इचिंग हुआ, लेकिन फिर मैंने बैलेंस कर लिया। यदि किसी को हेयर फॉलिंग का प्रॉब्लम हो रहा है तो आप HSY से कंसल्ट कीजिए, HSY आने का जरूरत ले सकते हैं। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि HSY के सारे टीम को मेरी तरफ से धन्यवाद और शुभकामनाएं। थैंक यू HSY।